कौन सन मैक्स आर्थर मैकालेफ आओ जानते हाँ। मिस्टर मैकालेफ आयरलैंड का वसनीक सी, इंडियन सिविल सर्विस इम्तिहान पास करके हिंदुस्तान में आया तो कई थाई असिस्टेंट कमिश्नर के अहदे उत्ते काम किया। जब ये गुजरात का डिप्टी कमिश्नर सी तो एक बार दीपमाला वेखण लई श्री अमृतसर गया। उत्थे कई सिख विद्वानों मिलिया अते उन्हां कोलों गुरबाणी सुन के ते सिखी जीवन नूं वेख के गुरसिखी के प्रभाव हेठ आया ते उसे वेले गुरमुखी पढ़नी शुरू कर दित्ती। उस वेले सिखां विच सिंघ सभा की लहर नवीं नवीं चली सी अते धार्मिक सुधार का काम जोरां ते सी। इस लहर के मोढ़ी भाई गुरमुख सिंह जी, प्रोफेसर ओरिएंटल कॉलेज लाहौर, भाई दित सिंह जी ज्ञानी लाहौर, भाई सरदूल सिंह जी ज्ञानी अमृतसर, भाई संत सिंह ज्ञानी कपूरथला आदि सन। इन्हां दे मेलजोल नाल सिख धर्म की वाकफी ते प्रेम मैकालेफ साहब दे दिल विच दिनों दिन वधदा गया। भाई गुरमुख सिंह जी ने उस नूं समझाया कि जद तक गुरबाणी अर्थां सहित नहीं पढ़दे तद तक आप ना तो सिख धर्म के नियम चंगी तरह समझ सकोगे अते ना ही गुरबाणी का उल्था कर सकोगे। साहब ने उन्हां तों पुछया कि मैं किस तों अर्थ पढ़ा। उन्होंने सरदार कान सिंह जी नाभा का नाम लिया। मैकालेफ साहब ने महाराजा सरदार हीरा सिंह साहब नाभा की सेवा में बेनती की कि कृपा करके मैनू सरदार कान सिंह जी की विद्या तो लाभ प्राप्त करने का अवसर दे के धनवादी बनाओ। महाराजा साहब ने सरदार कान सिंह जी ने 1885 ईस्वी में मैकालेफ साहब पास भेज दिता। साहिब ने उन्हों तो श्री गुरु ग्रंथ साहब का अर्थां सहित पाठ किया अते दसम गुरु जी की बाणी भी पढ़ी। मैकालेफ साहब का यह उत्साह देख के सन 1893 खालसा दीवान लाहौर ने उसनू प्रेरणा की कि अपने सरकारी अहदे तो अस्तीफा दे के अपना सारा समा गुरबाणी का उल्था करन विच लाओ। साहिब ने उन्हां दी बेनती मन के नौकरी छड़ दित्ती ते इस महान काम विच तन मन ला के जुट गए।